So, Hariom everyone, we begin today's session of Katha Kahani, Kuch Nai Kuch Purani, और बहुत सारी अच्छी अच्छी स्टोरीज देखे पंचतंत्र पुराणों में से, रामायण में से, महाभारत में से हम आते हैं और बच्चों को बेस्ट फैसिनेटिंग स्टोरीज जो फुल ऑफ विजडम है और फुल ऑफ अच्छी अच्छी बातें हैं और हम मंत्र भी करते हैं, श्लोक बोलते हैं, उनका मीनिंग समझते हैं और इसी तरीके से और अच्छी अच्छी स्टोरीज सुनते हैं, है ना। तो बिफोर वी स्टार्ट टुडे सेशन, आई एम इन्वाइटिंग आस्था एंड अमृता टू डू द मंत्रस विद मी। एंड अनय, कैन यू प्लीज पिन आस्था एंड अमृता व्हाइल आई शेयर माई स्क्रीन? ओके, ma'am, I'm not able to see your screen properly. Wait, beta, I have not shared as yet. I'm going to share. Okay, now you all can see my screen? Yeah, ma'am. Okay, fine. Lord Vishnu's devotee. Okay. Lord Vishnu's devotee, hai na? To ab hum Aastha aur Amrita ko pin up kar diya hai, yaani aapne? Yeah, ma'am, he has pinned us. Okay, fine. All right. Okay, my screen is going quickly. That's it. I don't want it to go, but it is going very fast. I want number one. Ma'am, today will we do slokas? See, because tomorrow is Teacher's Day. Okay. All right. Okay. Now, everybody, join your hands. एंड लिसन, सब लोग सुनेंगे, आस्था अमृता मेरे बात बोलेगी, सब सुनेंगे। ओके, ओम ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनाव भीतमस्तु भीतमस्तु मा विश्विषावहै मा विश्विषावहै ओम शांति 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 ही ओम शांति शांति शांति। सो दिस मीन्स, दिस श्लोका मीन्स के जो पढ़ने वाला है, जो पढ़ाने वाला है, दोनों इतने अच्छी तरीके से करें, दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें और दोनों इतने अच्छे एनवायरमेंट में करें कि सबकी ग्रोथ होए, पढ़ने वाला भी और पढ़ाने वाला भी। ओके, अब इसके बाद जो नेक्स्ट मंत्र है, लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट मंत्र। ओके, दीप ज्योति परम ब्रह्म। आस्था? या मैम, मैम बाय मिस्टेक आई गॉट म्यूटेड। ओके, सो आई विल रिपीट अगेन। दीप ज्योति परम ब्रह्म। दीप ज्योति परम ब्रह्म। दीप ज्योति जनार्दन। दीप ज्योत जनार्दन दीपो में हर तु पापम। वेट फॉर मी। ओके, दीपो में हर तु पापम। दीपो में हर तु पापम। दीप ज्योतिर नमोस्तुते। दीप ज्योतिर नमोस्तुते। वेरी नाइस। जो ये जो दीपों वाला मंत्र था ना, उसका ये मीनिंग होता है कि जैसे डार्कनेस में हम लाइट जलाते हैं और रोशनी हो जाती है ना, वैसे ही जहां पे नॉलेज नहीं है, इग्नोरेंस है, अज्ञान है, अगर हम नॉलेज का दिया जलाते हैं तो हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। अब ये थर्ड श्लोक है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु। गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म। तस्मै श्रीगुरवे नमः।
तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये इस श्लोक का मीनिंग तो बहुत क्लियर है, इमेजेस भी पिक्चर्स भी ऐसे लगाई है, भगवान तो हमारे गुरु हैं ही, पर जो गुरु होते हैं हमारे, जो हमारे टीचर्स होते हैं स्कूल में या घरों पे, या जो हमारे दादी बाबा नानी नानू बड़े लोग, मामू मामी चाची चाचू, जितने भी बड़े लोग हैं, मम्मी पापा, सबको मिला के वे हमारे सबसे बड़े टीचर्स हैं। वो हमें सिखाते हैं ना सब कुछ, तो हमें उनको भी प्रणाम करना चाहिए, है ना। अच्छा, इसके बाद वाला मंत्र है ये आस्था अमृता, आप भी सुनो क्योंकि ये न्यू मंत्र है दोनों, ये कोई नहीं बोलेगा, मैं दो बार बोलूंगी, आप लोग सब सुनोगे। या मैम, आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्पीक, सो डोंट से, जस्ट लिसन, एवरीबॉडी लिसन, बाय लिसनिंग आपको आ जाएगा, मैं दो बार बोलूंगी, सिर्फ सुनो। शुक्लाम वरधरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। इसका मीनिंग मैं नेक्स्ट टाइम कर रहूंगी, ठीक है, पर आज की जो हमारी स्टोरी है ना, इस मंत्र से बहुत कनेक्टेड है, इसलिए अभी करा देते हैं। तो जो विष्णु भगवान है ना, वो ये जो मंत्र कह रहा है कि हम विष्णु भगवान का ध्यान करते हैं, और वो विष्णु भगवान कैसे हैं, उन्होंने सफेद वस्त्र पहने हुए हैं, और वो क्या है, वो हर जगह है, एवरीवेयर, सर्वव्यापी है, पूरी यूनिवर्स में है, सन में है, मून में है, हम में है, तुम में है, पूरे यूनिवर्स में विष्णु भगवान है, विष्णु भगवान ही यूनिवर्स है और यूनिवर्स उनके अंदर है। पर जब हम विजुअलाइज करते हैं उनका फॉर्म, जब हम उनका फॉर्म विजुअलाइज करते हैं तो उनके चार हाथ हैं और उन्होंने सफेद कपड़े पहने हुए हैं और उनका चेहरा हमेशा बहुत प्लेजेंट और हमको हमेशा बेनिफिट देने वाला, हमको हमेशा हमारी रक्षा करने वाला होता है। तो ये जो मंत्र है ये कह रहा है, आओ हम उस विष्णु भगवान का ध्यान करते हैं जो हमारा ध्यान रखेगा और हमारी सब प्रॉब्लम्स को खत्म करेगा। ओके, तो आज की स्टोरी ना हमारी इसी मंत्र के ऊपर है, पर एक मंत्र और बचा है, वो करके हम स्टोरी में घुसते हैं। अच्छा, ये जो मंत्र है आप लोग सिर्फ सुनोगे, बोलोगे नहीं, मैं दो बार बोलूंगी। ओके, पृथ्वी त्वया धृता लोकाः देवी त्वं विष्णु न धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। पृथ्वी त्वया धृता लोकाः देवी त्वं विष्णु नाम धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। अब ये क्या मंत्र बोलता है, ये मंत्र बोलता है अगर अर्थ नहीं होती, आप लोग सोचो सोचो कि अगर अर्थ नहीं होती, अगर ये धरती नहीं होती, ये जमीन नहीं होती, हम कहाँ रहते, हम यूनिवर्स में तो कहीं भी नहीं रह सकते थे ना। ये अर्थ है जो हमें सपोर्ट करती है, ये अर्थ है जहाँ पे सब्जियां उगती हैं, जहाँ पे वेजिटेबल्स और ग्रेन्स उगते हैं जो हम खाते हैं, ये अर्थ है जो हमें लाइफ देती है। तो हम लोग अर्थ को प्रे करते हैं, हम धरती को प्रे करते हैं। अर्थ को हिंदी में क्या बोलते हैं, धरती माँ। हम धरती माँ को प्रे करते हैं कि आप हमें रहने की जगह देते हो, हम आपको प्रे करते हैं और हम विष्णु भगवान को प्रे करते हैं कि जैसे आपने हमें रखा वैसे आप हमारा ध्यान भी रखो और हम पे कृपा बना के रखो, तभी हम अर्थ को खराब नहीं करते, डिस्ट्रॉय नहीं करते, पेड़ों को नहीं काटते, पानी को साफ रखते हैं, है ना, करते हैं ना। हमें अपनी धरती को बहुत ढंग से रखना चाहिए कि नहीं, जल्दी से बताओ, क्विकली चैट बॉक्स में रखो, लिखो कि हमें अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट करना चाहिए कि नहीं, हमें अर्थ को, अपनी धरती माता को प्रे करना चाहिए क्या नहीं, जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में, है ना। अब इसके साथ हमारे आज के मंत्र तो हो गए खत्म। यस वी शुड प्रे, आस्था अमृता सेइंग ना, वाई वी शुड प्रे, वी शुड प्रे बिकॉज बेटा द अर्थ इज वॉट सस्टेन्स अस। अगर अर्थ नहीं होगी, सोच के देखो, अगर अर्थ नहीं होगी हम कहाँ रहेंगे,
हमारा घर कहाँ बनता है, हमारा घर अर्थ पे बनता है, हमारा घर फाउंडेशन खोदते हैं अर्थ मिट्टी में, फाउंडेशन खोद के सीमेंट लगाते हैं, आयरन लगाते हैं और तभी हमारे इतने बड़े बड़े बिल्डिंग और घर बन जाते हैं ना। अगर अर्थ कहे कि मैं तुम्हें नहीं रखती तो फिर हम क्या करेंगे, तभी हम अर्थ को प्रे करते हैं, तभी हम नेचर को प्रे करते हैं, तभी हम पेड़ नहीं काटते, तभी हम अपने रिवर्स को गंदा नहीं करते, तभी हम सब चीजों की पूजा करते हैं, है ना। तो आज की स्टोरी जो है ना, मैंने कहा था पहले ही, किससे कनेक्टेड है, विष्णु भगवान से कनेक्टेड है। और विष्णु भगवान से कैसे कनेक्टेड है, विष्णु भगवान से तो हम सब कनेक्टेड हैं, है ना। पर कुछ लोग होते हैं जो स्पेशल कनेक्टेड होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी इतनी कनेक्शन होती है भगवान से, या अच्छे जो काम करते हैं, जो बहुत अच्छे काम करते हैं, जो हमेशा याद किए जाते हैं फ्रॉम सेंचुरीज। ये जो प्रहलाद है जिसकी कहानी हम आज बोलेंगे, वो सेंचुरी से याद किए जाते हैं। कितने सोचो, कितना समय बीत गया, हजारों साल बीत गए, फिर भी हम प्रहलाद को याद करते हैं। तो कुछ तो ऐसा किया होगा ना उसने। अन्य आप एडमिट करो बेटा, सबको लोग है इसमें एडमिट करने के लिए मुझे दिख रहा है। तो कुछ तो ऐसा किया होगा ना उन्होंने कि हम उन्हें याद करते हैं। तो जो बहुत अच्छे काम करते हैं ना लाइफ में, उन्हें हमेशा याद किया जाता है। जो दूसरों का ध्यान देते हैं, दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, किसी का खराब नहीं करते, हमेशा वेलबींग सोचते हैं, ऐसे लोगों का हमेशा आदर रिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, आदर बोलते हैं। ऐसे लोगों का हमेशा सम्मान होता है। तो प्रहलाद एक ऐसे ही है। और प्रहलाद कितना छोटा था पता है, ओनली 5 ईयर्स का। जब ये स्टोरी है ना, तब प्रहलाद सिर्फ 5 ईयर्स का था। हमारे इन सेशन पे 5 ईयर ओल्ड कितने हैं, मुझे एक अयांश तो पता है, और पर शायद ध्रुव भी 5 ईयर्स का ही है ना। और कौन कौन 5 ईयर्स का है जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो। 5 to 6 ईयर्स के बीच में कौन कौन है जल्दी से लिखो, हमें पता लग जाएगा कितने लोग 5 to 6 ईयर्स वाले हैं। तो जो 5 to 6 जो प्रहलाद है ना हमारा आज की स्टोरी में, वो सिर्फ 5 ईयर्स का है। और प्रहलाद बोलता है, जब प्रहलाद बॉर्न हुआ था ना, तो प्रहलाद के पापा थे हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु इट्स अ डिफिकल्ट नेम। आस्था इज सेइंग शी इज 8 ईयर्स ओल्ड, ओके। आयांश इज 5 and a half, आयांश है ना, ओके। एंड हु एल्स, कौन कौन है कितने इयर्स का, चैट बॉक्स में डालो। अने आप एक लिस्ट बना लेना कि कौन कौन कितने इयर्स का है, ओके आप लिख लेना स्टोरी बोलते बोलते। तो जब जब प्रहलाद बॉर्न हुआ था ना, तो प्रहलाद नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं था। मतलब प्रहलाद मस्ती नहीं करता था, प्रहलाद वॉज अ वेरी डिफरेंट चाइल्ड। ही ऑलवेज वॉन्टेड टू प्रे, एंड हु ही वॉन्टेड टू प्रे टू, प्रहलाद हमेशा विष्णु भगवान का ध्यान करता था, हमेशा विष्णु भगवान को प्रे करता था, हमेशा कहता था कि हे विष्णु भगवान मुझे बुद्धि दो, हे विष्णु भगवान मेरे पिताजी मेरे माता जी को बुद्धि दो, हे विष्णु भगवान मैं आपका सबसे बड़ा भक्त बन सकूं। और जो हिरण्यकश्यपु था ना राजा, जो हिरण्यकश्यपु कहता था ये क्या मतलब हुआ, जब देखो तब विष्णु का पूजा करते रहता है, जब देखो तब विष्णु की पूजा करते रहता है। अब मैं कहानी में ले चलती हूँ, ओके। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ओके। इंडिकेशन दो कि स्क्रीन दिख रही है मेरी। स्क्रीन दिख रही, ओके। ऑल राइट, तो अब हमारी स्टोरी में हम पहुंचे हैं हिरण्यकश्यपु के पैलेस में। हिरण्यकश्यपु बहुत बड़ा एक किंग था, पर वो कौन से किंगडम का किंग था, वो एक दैत्य था। जैसे ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वैसे राक्षस होते हैं, वैसे दैत्य भी होते हैं, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। तो हिरण्यकश्यपु एक राक्षस था और उसका बहुत बड़ा महल था। और हिरण्यकश्यपु एक बहुत अच्छा राक्षस, अच्छा किंग नहीं था, वो सबको अच्छे से बिहेव नहीं करता था, वो और विष्णु भगवान की बिल्कुल भी प्रे नहीं करता था। वो कहता था कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे सामने मेरी जितनी भी प्रजा है सिर्फ मेरी पूजा करेगी, किसी और की पूजा नहीं करेगी। तो वो उस टाइप का किंग था जो कहता था सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ मेरा ही ध्यान रखो। देखो कैसे दिख रहा है ना हिरण्यकश्यपु, दिखा आपको कैसे दिख रहा है, लुक एट हिज हॉर्न्स, है ना। तो जो वो पहनता था मुकुट, जो वो पहनता था क्राउन, उस क्राउन में, उस क्राउन में ये वाले, वन सेकेंड,
उस क्राउन में हॉर्न्स थे। एक मिनट, हमारी कहानी जल्दी से आगे पहुंच जाती है, मेरे कर्सर के थ्रू पहुंच जाती है। तो ये जो उसके है ना, ये जो हॉर्न्स है, ये जो है उसके ऊपर, तो वो इसके क्राउन में थे। तो हिरण्यकश्यप बहुत अच्छा रूलर नहीं था और बहुत क्रूअल भी था। तो हिरण्यकश्यप का एक बेटा था, जो मैंने आप लोगों को बताया पहले, प्रहलाद। तो जब ये प्रहलाद पैदा हुआ ना, तो ये नारद मुनि है। नारद मुनि एक बहुत बड़े ज्ञानी ऋषि, एक बहुत बड़े संत, एक और उनको हर पता लग जाता था कहाँ क्या हो रहा है। और नारद मुनि पता है कैसे ट्रैवल करते थे? अब तो हम लोग एरोप्लेन में ट्रैवल करते हैं या कार में ट्रैवल करते हैं। नारद मुनि के पास एक मैजिक था, वो अपनी पूरी बॉडी को टेलीपोर्ट कर सकते थे। और टेलीपोर्ट करके नारद मुनि कभी यहाँ होते थे, कभी वहां पहुंच जाते थे। अपने आप अपने मंत्रों की पावर से, अपने इतनी शक्ति थी उनमें कि वो कहीं भी जा सकते थे विथ हिज ओन बॉडी, ही कुड ट्रेवल। तो नारद मुनि वहां पे आ गए। जब उन्हें पता लगा कि हिरण्यकश्यप के घर में एक बहुत अच्छा सुंदर प्यारा सा बेबी हुआ है, और नारद मुनि को तो, क्योंकि उनको तो ऋषि है, उनको तो पता था कि ये भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। तो नारद मुनि वहां पे आए और उन्होंने हिरण्यकश्यप की वाइफ और प्रहलाद की मदर को बोला कि आपके घर में जो बालक पैदा हुआ है ना, वो बहुत स्पेशल है, वो बहुत बड़ा होके बहुत अपना नाम करेगा। अब हिरण्यकश्यप क्या कहता था? हिरण्यकश्यप कहता था जितने भी उनके लोग होते थे, जितने भी उसके फॉलोअर्स थे, जितने भी उसके प्रजा थी, सब्जेक्ट्स, जितने भी लोग थे उसके किंगडम में, उनको कहता था तुम सिर्फ मेरी पूजा करोगे। तुम बोलोगे ओम हिरण्याय नमः, ओम हिरण्याय नमः, ओम हिरण्याय नमः। पर हम तो कैसे प्रे करते हैं? हम तो ओम शिवाय नमः करते हैं, या हम ओम विष्णु की पूजा करते हैं, या हम गंगा माता की करते हैं, अलग अलग करते हैं ना। पर हिरण्यकश्यप को बहुत अहंकार हो गया था कि जो भी कुछ हो वो मैं ही हूँ, बाकी कोई कुछ भी नहीं है, ऐसे सोचता था। तो उतना उसको प्राउड हो गया था, उसका दिमाग खराब हो गया था। वो सबको कहता था मेरी पूजा करो, ओम हिरण्याय नमः बोलो, कुछ और नहीं बोलोगे। अब जो प्रहलाद था, ये कोई एनोटेशन कर रहा है, मुझे फिर दिख गया, एनोटेशन मत करो बेटा। फिर तो जब प्रहलाद हुआ ना 5 ईयर्स का, तो प्रहलाद तो सिर्फ विष्णु भगवान का नाम लेता था, ओम विष्णु नमः, विष्णु नमः। तो हिरण्यकश्यप ने कहा देखो तुम विष्णु का नाम लेना बंद कर दो, तुम 5 साल के हो गए हो, मैं तुम्हें राजा बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत बड़ा राजा बनाना चाहता हूँ। और राजा तुम तब बनोगे जब तुम अपने गुरुओं से, अपने टीचर्स से सीखोगे कि कैसे राज्य चलाना है। ये विष्णु विष्णु का नाम मत लिया करो मेरे सामने। तो प्रहलाद ने बोला पिताजी मुझे नॉलेज जरूर लूंगा, मैं सीखूंगा सब कुछ, पर मैं जानता हूं कि विष्णु ही सबसे बड़े हैं, विष्णु ही पूरे यूनिवर्स को संभालने वाले हैं, मैं विष्णु में हूँ, विष्णु मुझ में है, मैं सारी नॉलेज सीखूंगा, सब पढ़ाई करूंगा, पर मैं विष्णु भगवान को नहीं छोड़ूंगा। तो हिरण्यकश्यप तो बहुत गुस्सा हो गया। हिरण्यकश्यप ने कहा मैं तुमको कह रहा हूं ना, तुमको सिर्फ हिरण्याय नमः बोलना है। तो जो हिरण्यकश्यप ने कुछ गुरु बुलाए, कुछ टीचर्स बुलाए, उनको कहा कि मेरे बेटे को, प्रहलाद को, तुम सिर्फ हिरण्याय नमः बोलना सिखाओ, और तुम इसको स्टेट क्राफ्ट सिखाओ, राजा कैसे बनना है, सब कुछ कैसे करना है, और इसको विष्णु का नाम नहीं लेना चाहिए, अगर ये विष्णु का नाम लेगा मैं तुमको भी मार दूंगा, इसको भी मार दूंगा। तो टीचर्स भी डर गए, टीचर्स ने उसको बोला कि भैया तू हिरण्याय नमः बोलो। तो उसने वो कहता था मैं तो नहीं बोलूंगा, टीचर बोलते थे ओम हिरण्याय नमः, प्रहलाद बोलता था ओम नमो नारायणाय नमः। तो वो नारायण का नाम लेता था। नारायण कौन है? नारायण तो स्वयं भगवान विष्णु का ही एक नाम है। तो हिरण्यकश्यप बहुत नाराज हो गया, हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को पकड़वा दिया, अब गार्ड्स को बुलाया और उनको बोला मेरे बेटे को पकड़ो और मेरे बेटे को जेल के अंदर डाल दो, मेरे बेटे को जेल में डाल दो। तो सारे गार्ड्स मिलके उसके बेटे को ले गए। जब जेल में डालने के बाद भी नहीं सुना, तो हिरण्यकश्यप तो राक्षस था, उसने अपने बेटे को, गार्ड्स को कहा कि मेरे बेटे को धक्का दे दो, उसको मार डालो। सोचो कि कोई ऐसा हो सकता है जो अपने बेटे को मरवा दे। तो उसने गार्ड्स को बोला मेरे बेटे को धक्का दे दो। पर क्या हुआ, जब उसको इतनी ऊपर से भी धक्का दिया, उसने तो, प्रहलाद तो भगवान विष्णु का डिवोटी था,
उसने ओम नारायणाय नमः ओम नारायणाय नमः बोला और उसे कुछ भी नहीं हुआ, वो नीचे गिर भी गया तभी भी नहीं मरा, भगवान विष्णु ने उसे बचा लिया। अब क्या हुआ, तो ऊपर से राक्षस देख रहा है हिरण्यकश्यपु, ये तो अब भी नहीं मरा, ये तो मरता ही नहीं है, ये तो मरता ही नहीं है। फिर उसने क्या करा, फिर उसने अलग अलग तरीके से उसको जेल में रखा, उसको पॉइजन खिलाया, उसको न जाने कितनी कितनी चीजें, पानी में फिकवा दिया, अलग 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 चीजें करी कि उसका बेटा मर जाए या उसका बेटा विष्णु को भूल जाए। परंतु ये हमारा जो प्रहलाद है विष्णु को भूला ही नहीं। अब क्या हुआ, अब जब उसने सब कुछ ट्राई कर लिया, उसने सब कुछ ट्राई कर लिया, हिरण्यकश्यपु ने अपने बेटे को विष्णु भुलाने के लिए सब कुछ ट्राई कर लिया, हिरण्यकश्यपु ने अपने बेटे को मारना भी चाहा, जमीन पे धक्का भी दे दिया, जेल में भी बंद कर दिया, पानी में भी फेंक दिया, सब टीचर्स को भी बोल दिया, कुछ भी नहीं हुआ। प्रहलाद ने बोला मैं तो विष्णु की ही पूजा करूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ विष्णु ही भगवान है। हिरण्यकश्यपु ने कहा नहीं, तुम्हें मेरी पूजा करनी है, तुम्हें मेरे बारे में ही बोलना। उसने कहा मैं तो नहीं बोलूंगा। अब फाइनल लास्ट था, हिरण्यकश्यपु ने अपने बेटे के साथ, और देखो मैं अब तुमको ले चलती वापस इस स्क्रीन शेयर पे, हिरण्यकश्यपु ने कहा ये विष्णु 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 सारे समय करते रहते हो, विष्णु है कहाँ, मुझे बताओ विष्णु कहाँ है। तो प्रहलाद ने कहा विष्णु तो सारे में है, सारे संसार में है, माउंटेन में भी है, रिवर में भी है, अर्थ में भी है, सन में भी है, मून में भी है, मुझ में भी है पिताजी, फिर विष्णु तो आप में भी है। तो उसने कहा अच्छा मुझ में भी है ये विष्णु, क्या ये विष्णु, तो इसने कहा विष्णु सब जगह। उसने कहा अच्छा क्या मुझ में भी है, तुम में भी है, तो अब मुझे बताओ क्या ये जो पिलर है, इतना बड़ा सारा पिलर था, इसमें भी विष्णु है, इसमें भी है, तुम्हें लगता है विष्णु हर जगह है ना, मुझे बताओ। और अगर इसमें मैं इस पिलर को तोड़ूंगा और अगर इस पिलर में से विष्णु नहीं निकला तो मैं तुम्हें अब भी मार डालूंगा, मैं अपने हाथों से मार डालूंगा। तो हिरण्यकश्यपु ने इतना बड़ा ये गदा लिया, ये मेस, और ये जो पिलर दिख रहा है इतना बड़ा सारा ये पिलर है ना, इस पिलर को जोर से मारा। उसको तो लगा था कि कोई विष्णु नहीं होगा, कोई विष्णु निकलेगा ही नहीं। परंतु जैसे ही वो पिलर टूटा, पिलर में से खूब सारा धुआं निकली, आग निकली, साउंड हुई बहुत सारी, और क्या निकला उसमें से, उसमें से निकला, उसमें से निकले ये नरसिंह निकले। वो कौन थे नरसिंह, वो विष्णु भगवान का रूप थे, उनका हेड, उनका फेस तो बिल्कुल लायन का था और बॉडी बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की, चार उनकी हैंड्स थे, जैसे विष्णु के चार हैंड्स होते हैं ना, वैसे इनके भी चार हैंड्स थे, पर हेड था, पूरा फेस था लायन का और बॉडी थी एक ह्यूमन बीइंग की। तो हिरण्यकश्यपु तो डर गया, हिरण्यकश्यपु ने कहा ये क्या हुआ, ये है देखो, ये है नरसिंह अवतार जिससे मैंने बताया था ना, फेस तो है उसका लायन का और बॉडी ह्यूमन बीइंग की और चार हाथ हैं, एक हाथ में शंख पकड़े हुए, एक हाथ में लोटस का फ्लावर, एक हाथ में गदा और एक हाथ में चक्र, जो विष्णु भगवान चार चीजें लेते हैं हमेशा, वो चारों चीजें इनके पास थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब उस नरसिंह अवतार ने देखा यह हिरण्यकश्यपु बहुत खराब राक्षस है, ये सब प्रजा को दुखी करता है, सबको इससे इतना परेशान कर रखा है, अपने बेटे को मारना चाहता है। तो हिरण्यकश्यपु ने उस ये नरसिंह अवतार ने, विष्णु जी ने उस हिरण्यकश्यपु को अपने गोद में लिया, अपने जांघों पे रखा और अपने नेल से नाखूनों से हिरण्यकश्यपु की बॉडी को फाड़ दिया बीच में से और उसे मार डाला। क्यों मारा, सबको बचाने के लिए, अपने भक्त को बचाने के लिए। भक्त कौन था, प्रहलाद। प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह अवतार खुद आए, विष्णु भगवान नरसिंह के रूप में आए, उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद को बचाया, क्योंकि उसका फादर हिरण्यकश्यपु बहुत खराब राक्षस था, बहुत सबको परेशान करता था और बहुत तंग करता था। अब ये मुझे बताओ कि ये जो स्टोरी है
मैं एक उसका बताऊंगी कि इसका इसका एक वो क्या है कि अगर हम बहुत परेशान होते हैं ना, और अगर हम भगवान को प्रे करते हैं, और अगर भगवान को पता है कि जो इसको तंग कर रहा है वो सचिव में अच्छा नहीं है, तो भगवान हमारी हेल्प करने आते हैं। और प्रोवाइडेड हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम सच्चाई की तरफ चल रहे हैं, हम अच्छा सोच रहे हैं। यहाँ पे इस कहानी में प्रहलाद ने बार बार कोशिश करी कि अपने पिताजी को बता सके कि पिताजी ऐसे नहीं करते, पिताजी आप इतने क्रूअल मत बनो, आप अपने अपने लोगों को इतना परेशान मत करो। पर हिरण्यकश्यपु सुनता ही नहीं था, उसमें तो इतना प्राउड हो गया था, मैं ही मैं हूँ, मेरी पूजा करो, मेरी पूजा करो। तो अगर कोई कहता है कि मेरी पूजा करो और हम भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, तो वो गुड है या बैड, बस चैट बॉक्स में लिखो वो गुड है या बैड है। अगर वो कहता है मेरी ही पूजा करो, किसी की पूजा नहीं करनी, तुमको बताओ बैड है ना। आस्था ने भी लिखा बैड, लोनिका ने भी लिखा बैड। तो हमें ये कॉन्सेप्ट तो पता लग गया कि अगर कोई कहता है कि मैं ही अच्छा हूं, भगवान को भी मत कुछ समझो, तो वो चीज ठीक नहीं है। हमें सोचना चाहिए अगर कोई हमें कहता है कि मेरे को ही प्रे करो, मुझे ही अच्छा समझो, ऐसे नहीं किसी को कुछ कर लेना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि वो जो कह रहा है उसका कंडक्ट कैसा है, उसके एक्शंस कैसे हैं। अगर सपोज कोई ऐसा आदमी है जो कहता तो कुछ और है और करता सब कुछ उल्टा, कहता तो है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए और खुद झूठ बोलता है, कहता तो है कि किसी को मत मारो और सबको मार देता है, कहता तो ये है सबके साथ अच्छा करो और सबके साथ वो खराब करता है। तो अगर कोई इस तरीके का होता है जिसका कंडक्ट ठीक नहीं होता, तो हमें सोचना चाहिए और फिर हमें एक्शन करना चाहिए ना। अच्छा, अब मुझे ये वाली स्टोरी कौन एकदम सिंपल वर्ड्स में समझाएगा? लोनिका, यू वॉन्ट टू गिव अ जिस्ट? Ayansh, you got an opportunity pehle na beta. Let us give to somebody else also. Okay? Who else will take? Give me the story quickly. I'm putting on gallery view. Lonika, you want to give the gist in the gist? You want to summarize the story? Unmute yourself, Lonika. Okay, now unmute, beta. Now unmute. Hi, Lonika. Okay. So you want to give me a quick gist of the summary story? Yes, ma'am. Go ahead. Ma'am, in the story there was ki pin up Lonika beta. Can you remove me? Wait, 1 second, Lonika. Have you pinned her up? I can't see. Who's not visible on the screen right now? I am visible. I want you to put Lonika beta. Lonika ko karo. Acha, okay, Lonika. I can only see myself, but people are saying everybody can see you. Go ahead, please. Yes, ma'am. मैम, इन द स्टोरी उसका मैम स्टोरी में एक 5 साल का वहां पे एक राजा था। वो राजा बहुत क्रूअल था। उसके यहाँ एक बेटा बॉर्न हुआ था जो कि बहुत ही अच्छा था, और वो जो उनका उसका पापा था उस बेटे का, वो कहता था कि सिर्फ मुझे ही पूछो, किसी और को मत पूछो, भगवान को मत पूछो, सिर्फ मुझे पूछो। पर उसका बेटा विष्णु जी का बहुत बड़ा भक्त था, वो उनको मानता था और कहते थे कि सारी जगह विष्णु जी हैं, उनको पूछो, ऐसे अपनी पब्लिक के साथ मत करो, अपने लोगों के साथ मत करो, क्योंकि वो बहुत बुरा बिहेवियर करते थे, पर उनके साथ सबके साथ अच्छा करो, पर वो नहीं मानते थे। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अपने बेटे को मार देने की, कि उन्होंने कहा अपने बेटे से कि या तो तुम मुझे पूछो और वरना मर जाओ। मार दिया उन्होंने उसे, मारने की बहुत कोशिश की पर वो मार नहीं पाए। फिर उन्होंने कहा कि कौन है विष्णु, तो उसने कहा कि विष्णु हर एक जगह है,
चांद में भी है, मून में भी है, रिवर में भी है, हर एक जगह है। तो उसने कहा आप में भी है, मेरे में भी है। तो फिर उसके पापा ने कहा अच्छा क्या इस पिलर में भी है? अगर है तो मैं अभी इस पिलर को मारूंगा, और अगर तुम्हारे विष्णु उसमें से नहीं निकले तो मैं तुम्हें अभी के अभी मार दूंगा। तो जब उन्होंने एक बड़ा सा गदा लेके उस पिलर को मारा तो उसमें से लाइट निकली, साउंड निकली और फायर निकली, और उसके बाद उसमें से एक क्रिएचर निकले जिसमें उनका फेस तो लायन का था पर उनकी जो बॉडी थी वो ह्यूमन की थी, और उनकी फोर हैंड्स थे और विष्णु जी जो उन्हें पकड़ते थे वो था। तो उन्होंने तो वो विष्णु जी के एक रूप थे। तो उन्होंने फिर जो उनके पापा थे उसको घसी के मार दिया। वेरी गुड। तो लोनिका इस ये जो स्टोरी है ना, बेसिकली जो जो विष्णु जी के वो चारों चिन्ह लेके पैदा हुए थे वो विष्णु का ही रूप थे, अवतार थे। हमारे कल्चर में क्या बोलते हैं, हमारे कल्चर में कहते हैं जब बहुत प्रॉब्लम्स भर जाते हैं, जब अधर्म बहुत होता है तो भगवान अवतार लेके आते हैं। भगवान एक ही है, अलग अलग फॉर्म्स बदल लेते हैं। जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी एक ही है ना, पर हमारे ऑर्गन अलग अलग हैं, हमारे हैंड्स अलग हैं, हमारे लेग्स अलग हैं, हमारा स्टमक है, हमारा ब्रेन है, हमारा फेस है, पर हम ये तो नहीं कहते कि ये सब अलग अलग किसी का है। एक ही ह्यूमन बॉडी के अलग अलग चीजें। वैसे ही हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में एक भगवान है जिनके अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं। तो विष्णु भगवान ही अलग अलग अवतार लेके आते हैं हमें बचाने के लिए। तो जो भक्त प्रहलाद था उसकी क्या महिमा है, भक्त प्रहलाद कभी भी अपने अपने एक सेकेंड में तुमको वो कर दूं, भक्त प्रहलाद कभी भी अपने गोल से वेवर नहीं हुआ। उसने सोच रखा था कि भगवान है, मैं भगवान का भक्त हूं, मुझे भगवान को प्रे करना है। उसके पापा कहते थे ये करो वो करो, किसी और को प्रे करो, इनको मत मानो। उसने नहीं माना, सिंगल पॉइंटेड कॉन्सेंट्रेशन थी उसकी। वो सब कुछ करता था, पढ़ाई करता था, लिखाई करता था, थोड़ा बहुत बच्चों के साथ खेलता था, नॉर्मल लाइफ जीता था, परंतु ही न्यू कि वो भगवान की वजह से, भगवान ने उसे जन्म दिया है एंड भगवान का उसका कनेक्शन स्पेशल है। तो जब हमें पता लग जाता है कि जैसे हम भगवान के हैं और भगवान सब जगह हैं, अगर आप सबको पता होगा कि आपके मम्मी पापा में भी भगवान है, दादी बाबा में, नानी नानू में, आपके भाई बहन में भी भगवान है, आपके दोस्तों में भी है, आप में भी है, तो आप किसी को मारोगे पीटोगे नहीं ना, आप उनसे अच्छा बिहेव करोगे ना, है ना। अगर आपको पता है कि सब जगह भगवान है, तो जो आपका स्टाफ है घर में, जो आपके घर में हाउसहोल्ड हेल्प है, जो दीदी भैया आप लोगों को हेल्प करते हैं, जो हमारे घर में काम करने आते हैं, जो हमको हेल्प, जो हमारे वेजिटेबल्स हमारे लिए लेके आते हैं, फूड लेके आते हैं, जो हमारे ड्राइवर भैया हैं, जितने भी लोग हैं सब में भगवान है ना। तो हम हर एक से अच्छे से बोलेंगे, हम हर एक से पोलाइटली बोलेंगे, हम किसी से रूड नहीं होंगे, होंगे ना, नहीं होंगे ना रूड, हम हर एक से अच्छे से बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, अगर हमें पता है सब में भगवान है। जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में, अगर हमें पता है कि सब में भगवान है तो हम अच्छे से सबसे बड़े भक्त हमारे भगवान ही है, सबसे बड़े भक्त हम है भगवान, सबसे बड़े भक्त हम भक्त है भगवान के, बेटा हम भक्त है भगवान के, है ना। और भक्त का क्या मतलब है, जल्दी बताओ, भक्त का मीनिंग किसको पता है, भक्त कौन होता है, पीपल कौन होता है, भक्त का मीनिंग किसको पता है, डिसाइपल। भक्त का मतलब है जो भगवान को मानता है, भक्त का मतलब है जो जानता है कि जो हमें लाइफ मिली है हमें भगवान ने दिया है, जो हमें मम्मी पापा मिले हैं, जो हमारे घर में इतना सब कुछ अच्छा है, सब कुछ हमें मिल जाता है, जो हम सोचते हैं हमारे लिए हो जाता है, खाना पीना मिल जाता है, घूमना फिरना मिल जाता है। तो भगवान ने हमें इतने अच्छे एटमोसफेयर में भेजा, इतने अच्छे मम्मी पापा दिए, इतने अच्छे टीचर्स दिए, इतना अच्छा सब कुछ दिया, तो हमें थैंक यू करना चाहिए। तो जो हम ग्रेटफुल होते हैं भगवान के, उसे भक्त बोलते हैं। भक्त कौन होता है, जो हर वक्त समझता है कि मैं ग्रेटफुल हूं कि मुझे भगवान ने इतना सब कुछ अच्छा दिया, उसे भक्त बोलते हैं। तो प्रहलाद भक्त था,
प्रहलाद हमेशा ग्रेटफुल होता था। प्रहलाद हमेशा कहता था हे भगवान आपने इतना अच्छा सब कुछ दिया, जबकि उसके पिताजी राक्षस थे, जबकि उसे उसके पिताजी मरवाना चाहते थे उसको, जब भी तब भी प्रहलाद भगवान को नहीं भूला। तो जब हम अपने अच्छे समय में भगवान को याद करते हैं तो भगवान हमें डिफिकल्ट समय में संभाल लेते हैं। ये स्टोरी क्या बोलती है कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब हमें भगवान को प्रे करना चाहिए, हमें अपने मंत्र बोलने चाहिए, हमें मंदिर पर दर्शन करने चाहिए, हमें अपने बड़ों में अपने गुरुओं में भगवान के दर्शन करने चाहिए, हमें अच्छा बिहेव करना चाहिए अपने बड़ों के प्रति, अपने फ्रेंड्स के प्रति, अपने भाई बहन के प्रति। जब हम अच्छे से बिहेव करते हैं, जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, अगर कभी प्रॉब्लम लाइफ में आती है तो हमें कौन संभाल लेता है? वो भगवान संभाल लेता है। जो भगवान से हमारा कनेक्शन बना होता है, अगर हम अच्छे से बिहेव करते हैं तो वो भगवान हमें संभाल लेता है। आपको समझ आ रही है जो मैं बोल रही हूँ? यस, आ रही है ना कामाक्षी? और अने को समझ में आ गई ना? अयांश को भी आ गई, परी और ध्रुव, आस्था, अमृता, लोनिका, यू अंडरस्टूड? द स्टोरी डज नॉट एंड देयर, द स्टोरी एंड्स इफ वी बिहेव नाइसली। द स्टोरी डज नॉट से कि भक्त है तो भगवान भगवान सोचो, नहीं। अगर हम भगवान भगवान सोच रहे हैं, हमारा बिहेवियर वैसा होना चाहिए, हमारी बोली वैसी होनी चाहिए, हमारी हमारी लैंग्वेज, हमारी रिस्पेक्ट बड़ों को, हमारी रिस्पेक्ट हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे जो ब्रदर सिस्टर्स हैं, हमसे जो छोटे हैं, अगर हम अच्छे से बिहेव नहीं करते तो हम कैसे समझेंगे कि भगवान हर जगह है? जब हम मानते हैं कि भगवान हर जगह है तो हमारे स्टाफ से, हाउसहोल्ड स्टाफ से, हमारे अंकल आंटी से, हमारे चाची ताया, दादी बाबा, नानी नानू, जितने भी बड़े हैं, जितने भी हमारे एज के हैं, जितने भी छोटे हैं, अगर हम अच्छे से बिहेव नहीं करते, मतलब हम नहीं समझते भगवान हर जगह है। और अगर हम ये नहीं समझते तो अगर कभी प्रॉब्लम होगी तो भगवान भी नहीं बचाने आएगा। अगर हम अच्छे में भगवान को याद करते हैं, हर एक से अच्छा बिहेव करते हैं तो भगवान हमें हेल्प करते हैं। एम आई क्लियर नाउ? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, है ना? यस। yes. तो जो प्रहलाद की स्टोरी है ना, फैसिनेटिंग स्टोरी है विथ लॉट्स ऑफ लेसन्स। ओके अने सेइंग समथिंग। यस अने, oh I know, I don't know, yeah, I read your message, I read your message, okay, I am going to put myself, yes beta, aap bar bar mujhe kyun nahi on kar rahe, band karte ja rahe ho, bar bar kya kar rahe ho, aap band hi kyun rakh rahe ho, main bar bar leave karke wapas open kar raha hu mic। अच्छा अने, ध्रुव को म्यूट नहीं करना, ध्रुव कुछ बोलना चाहता है। अच्छा अब एक बार ना सारे बच्चे क्विकली स्क्रीन ऑन करके वीडियो और आ जाओ, हमें एक वीडियो फोटो लेनी है, क्विकली इसके पास आ जाओ। कौन कौन आएगा? अने, अयांश और आरिफ। अयांश ऊपर से दिख नहीं रहा। लोनिका, अच्छा कामाक्षी आ गई, परी, ध्रुव, परी को भी ले आओ, रेयांश आ गया, नयोनिका, अले बाबा ये तो इतनी क्यूटी है, ये कौन सा बच्चा आया है? ये बकवास मुझे लगता है देवांश लिखता है। बकवास कौन लिखता है? मैं आगे से तुम्हें एंट्री नहीं दूंगी बेटा, अगर आप बकवास हो तो फिर आप सेशन में मत आओ। ओके, क्या नाम है? देवांश। हाँ देवांश जैन, जल्दी से आ जाओ वीडियो खोल के। देवांश, आई कैन सी यू, कम क्लोजर। आदित्य कोहली, ईशा एंड सुन्नीज आईफोन, बकवास नहीं लिखना आगे से। अच्छा अब मैं 1 2 3 बोलूंगी। आस्था, अमृता, आपने आ रहे बेटा वीडियो पे, इस पे फोटो के लिए? आस्था, अमृता, आर यू देयर? विवान, लुक इनटू द कैमरा। देवांश, लुक इनटू द कैमरा बेटा। आदित्य कोहली, आप आपका नहीं आ रहे। आस्था, अमृता, यू आर नॉट देयर, बोथ ऑफ यू? ओके नाउ 1 2 3 एंड अ बिग स्माइल, 1 2 3 स्माइल। ओके अब जो बच्चे नहीं आए हैं इसमें, आस्था, अमृता नहीं आई है, और अने नेक्स्ट टाइम कोई अगर बकवास लिखेगा हो तो उसे एडमिट नहीं करेंगे हम सेशन में। ओके, गॉट इट? एंड एनीबॉडी एल्स? देवांश, व्हाई कांट यू रीनेम बेटा? आपका तो नाम ठीक है देवांश, ठीक है, वी कैन सी यू देवांश ओनली, वी कैन सी देवांश ओनली। और ये नए बच्चे आए हैं क्या? ईशा, सुन्नीज, आईफोन, ये कौन कौन है इसमें बच्चों? आपका क्या नाम है? अपने आप को म्यूट करो।
अनम्यूट करो बेटा। अव्य एंड अविशा। अव्य एंड अविशा, योर फर्स्ट टाइम यू बेटा, आई कांट हियर यू, व्हाट इज, ओ दैट्स योर पेट नेम, एंड वेयर आर यू फ्रॉम बोथ ऑफ यू? नो डैड, नॉट वेयर आर यू फ्रॉम? Where are you both from? Ishan Sumit are mama and papa's name. Okay, that's your mama's and papa's name. Okay. Dhruv, okay. Astha and Amrita, are you there to do the mantra, the closing mantra, or who will do after me? I can't see you, Astha and Amrita. Who will do the closing mantra after me? Jaldi se bolo. आयांश हाथ ऊपर कर रहा है। आयांश बहुत सारे चांस। हेलो मैम। हाँ बेटा, कौन बोल रहा है? आस्था बेटा, आप लोग फोटो के लिए आए? आप लोग फोटो के लिए क्यों नहीं आए? हमने अभी फोटो खींचा था, आप लोग चले गए थे। नो, आई एम नॉट म्यूट माय माइक। ओके, जो जल्दी से एक फोटो क्विकली और आ जाओ जल्दी से बच्चे, कम ऑन क्विकली। रियांश, विमान जैन, ओपन योर वीडियो। नेओनिका, quickly quickly, रियांश आ गया, विमान, are you there? एक आधा बच्चा तो होता ही नहीं है, अब विमान नहीं है। परियो, ध्रुव, दोनों सीधा देखो। ध्रुव, don't do all this, सीधा, straight, come closer. जैसे मैं दिख रही हूँ ऐसे आओ फटाफट। Okay, one second now. I'll say 1, 2, and 3 है, उस पर big smile नहीं करोगे तो तुम लोग ऐसे अच्छे नहीं दिखोगे। 1, 2, and 3. ओके, अब मुझे आस्था एंड अमृता, मैं शेयर कर रही हूँ, डू द मंत्र आफ्टर मी। ओके ओके, अरे मैं तो भूल ही गई, नेक्स्ट टाइम का असाइनमेंट बताओ। लोनिका, आज आप बताओ बेटा, क्या असाइनमेंट होना चाहिए? लोनिका, आई विल डू द मंत्र, आई विल डू द मंत्र। कौन बोल रहा है? ध्रुव बोल रहा है बेटा। अच्छा, मैं, आप लिख लो कि ध्रुव नेक्स्ट टाइम करेगा। आज लेट आस्था ने शुरू करा था, आस्था खत्म कर देगी। नेक्स्ट टाइम अने लिख लो, आप ध्रुव करेगा। लोनिका, कैन यू नोट डाउन आल्सो? हां, मैं लिख रही हूं। हां, टू पीपल नोट डाउन। ओके ओके, लोनिका, आई वांट यू टू गिव द असाइनमेंट। क्या करना चाहिए बच्चों को, जल्दी बताओ। सर, ड्राइंग। क्या करना चाहिए? सर, ड्राइंग। ओके, सो हिरण्यकश्यप को ड्रॉ कर लो, वो जो राक्षस विद द सिंग, और एक जना नरसिंह अवतार करो। नरसिंह आप देखोगे हाफ लायन और हाफ मैन, जो कौन ड्रॉ कर सकता है यूट्यूब पे वीडियो देख के वो ड्रॉ करो। हाँ, और मेरे पास अभी तक मंत्र नहीं आए हैं, जो बड़े बच्चे हैं वो मंत्र नहीं लीजिए उन्हें। और हनुमान चालीसा करो, हनुमान चालीसा होमवर्क है, जो हनुमान चालीसा, तो हनुमान चालीसा का वीडियो जो कौन कौन भेज चुका है। वीडियो बना के भेजो, मम्मा को बोलो वीडियो बना के भेजेगी, ऐसे नहीं। Okay. परी वीडियो बना के भेजो। ओके, चलो आस्था अमृता आप आ जाओ बेटा मंत्र करने के लिए। यस मैम। ओके मैम, आई आल्सो नो, but you have to send me in a video, you can't say it over here. Ma'am, we have already sent it, Amrita has sent it, I am Astha. Okay, okay, all right, okay. Okay, you all can see my screen now? Oh, yes ma'am. Okay, so Astha and Amrita will say to me, the rest of the kids will keep mute, okay? I will say it two times, half. Hey, no, please go mute, all of you, please mute. ॐ पूर्णमदः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेवा पूर्णमे
मेवा वशिष्यते। ओम शांति 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 ही। ओम शांति 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 ही। अब मैं ये समझ गई हूँ कि मेरे बच्चों को मंत्र आ गए हैं, तो मेरे बोलने से पहले ही बोलना शुरू कर देते हैं, है ना। तो अब ये जो बच्चे हैं ना, जब ये इतने मंत्रों को याद कर लेंगे, फिर मैं बोलूंगी नहीं, फिर एक एक बच्चे को बुलाऊंगी और मंत्र वो लोग बोलेंगे। पर जो वो कर पाएगा जो सारे, एक सेकेंड, वो पाएगा ये वो कर पाएगा जो सारे हमें 10-11 मंत्र जो सृजना मैम ने वीडियोस बनाई है ना, वो पूरे याद कर लो, हमें वीडियो भेजो। अगर आप सारे 11 मंत्र का वीडियो भेज दोगे तो हम आपको फिर मंत्र करवाते रहेंगे, ओके। और जो हमारा होमवर्क है, असाइनमेंट है, सप्ताह के नाम हिंदी में, महीनों के नाम हिंदी में, 1 से 100 की गिनती हिंदी में, हिंदी में 1 से 100 की गिनती और मंत्र हनुमान चालीसा, ये करते जाओ, भेजते जाओ, प्राइजेस मिलते जाएंगे, ओके। सो हरिओम एवरीवन, बाय, सी यू ऑल नेक्स्ट सैटरडे, बाय। हरिओम मैम, हरिओम, हरिओम मैम, हरिओम मैम, हरिओम, हरिओम, बाय।